भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरण ज्ञान प्रगट्यो पूरण ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी अंतर बल से किया प्रबल रिप मोह पराभव हमने स्थापना के उपरांत जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप इन छंदों का वर्णन देखा, लोकोत्तर अर्थ किया है इन द्रव्यों का, जिसको हम ऐहिक जल चंदन आदि कहते हैं, इस लोक का जल चंदन आदि, उसका लोकोत्तर अर्थ कर करके दिखाया है। जल का अर्थ यहाँ पर ज्ञान ऐसा किया था, चंदन का अर्थ भाव के ताप का नाश करने में समर्थ हमारा समता भाव लिया था। सब आत्मिक द्रव्य है, ये सब अक्षत के रूप में त्रिकाली ध्रुव अक्षत पद के आश्रय करके अक्षत पद शाश्वत पद मोक्ष पद की प्राप्ति की प्रेरणा हमने यहाँ से पाई। पुष्प के रूप में भी कोमलता अप्रभावितपना वितरकता की गंध यहाँ से सुगंध यहाँ से कवि ने फैलाई है। नैवेद्य के माध्यम से भी क्षुधा के नाश का विकल्प हमारे सामने रखा है और दीप कहकर भी इन जड़ दीप की बात नहीं, इन लोकोत्तर ज्ञान रूपी दीपक की बात है। और सूरज को यदि दीपक से पूजन करनी है खरे अर्थ में तो सूरज स्टैंड्स फॉर केवल ज्ञान एंड दीपक स्टैंड्स फॉर श्रुत ज्ञान। तो केवल ज्ञान की सच्ची पूजा करनी है तो हमारे पास बोलो श्रुत ज्ञान होना जरूरी है। और श्रुत ज्ञान मीन्स सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान आत्मानुभूति पूर्वक होता है, भगवान का सच्चा समर्पण। और भगवान को यदि सच्चा द्रव्य चढ़ाना है हमको भक्ति में, बोलो सबसे महंगी और सुंदर वस्तु की बात नहीं है। और यदि सबसे सुंदर और महंगी वस्तु ही की बात आप करते हैं तो वह दुर्लभ वस्तु सम्यक ज्ञान ही है। बोधि दुर्लभ भावना में यह बताया गया है कि एक हद बोधि दुर्लभ भावना बोल के दिखाओ। पायो अनंत बिरिया पद क्या है वो, पय सम्यक ज्ञान न लाधो है, ऐसा बोधि दुर्लभ भावना ये छेड़ ढाला की। वहां पर यह बताया गया है आनंद भार आनंद पदों की प्राप्ति की लेकिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की तो सब निस्सार है। अब सभी बोधि दुर्लभ भावनाएं इस दृष्टि से देखिए तो आपको पता चलेगा। धूप के नाम पर भी यहां पर लौकिक धूप की बात न करके लोकोत्तर धूप दुर्लभ निजमें मुनि साधो ये छंद है। धूप में भी जो लोकोत्तर दुर्गंध को हटाकर लोकोत्तर सुगंध को लाने की प्रेरणा धूप के माध्यम से दी है, वैसे आपको शायद जानकारी हो न हो, महावीर का जीव जो तीर्थंकर था वही पहले कभी नारायण का भी जीव रहा है। इसलिए 63 साल का पुरुषों में हमारे यहाँ इस बार 63 नहीं हुए हैं पुरुष, 58 पुरुषों ने ही इन 63 पदों का ग्रहण किया है। जैसे हम देखते हैं शांतिनाथ कुंथनाथ तारनाथ इन तीनों ने दो दो पद को ग्रहण किया, चक्रवर्ती भी इनका तो 60 हो गए। आगे एक तो ये महावीर ही का जीव जो नारायण पद पहले धारण किया था इन्होंने, एक कम हो गया। और एक कौन बचा,
एक फिर ऐसा कहा जाता है कि नहीं, फिर और दो घटेंगे, फिर आदिनाथ और भरत जो कि तीसरे काल में हुए, तो फिर उनकी भी गिनती इन चौथे काल वालों में नहीं होती। और यदि करनी है समस्त पदों की तो फिर 59 पद हमको कहना पड़ेगा। बोलो जी, लेकिन कई कई जगह पे तीन तीर्थंकरों को शांतिनाथ बना जा रहा है, आपको तीन पद युद्ध लगे हैं। अरे भैया, शलाका पुरुष में पद थोड़ी है, वे कामदेव शलाका पुरुष में, वो 169 महापुरुषों में गिनती होगी फिर उनकी, वो बात अलग है। तो ये महावीर का जीव, जब शांतिनाथ भगवान का काल चल रहा था, उन्हीं के परिवार का एक सदस्य महावीर का जीव था, भावी तीर्थंकर, और नारायण की पर्याय में था। नारायण जैसा शक्तिशाली जीव, और जैसे रूम फ्रेशनर वगैरह लगाने की आदतें होती है ना लोगों को, अभी तो बहुत बहुत लगाते हैं, फिर किसी को ये लगता है शारीरिक दुर्गंध ना हो इसलिए कोई डीओ लगाता है, कोई कैसे लोशन, हेयर लोशन लगाता है, कोई कुछ। और विचारणीय है ये घटना, उन्होंने भी रूम फ्रेशनर के रूप में उस जमाने में जो प्रचलित सुगंध कुछ धूप लगाई थी, और फिर सुबह होते होते वो उसी में सफोकेशन होकर उनका मरण कहा है। हाँ, तो ये धूप का विषय समझना चाहिए। कल हमने थोड़ी सी बात भोपाल के घटना के साथ जोड़ी थी हमने, तो धूप में यहाँ पर तो लोकोत्तर धूप को चढ़ाने की बात की है, आज हम फल की बात लेते हैं। लोक में वे ही बीज बोना पसंद किए जाते हैं जिसका फल सुमधुर हो और मीठा हो। बीज बोए बबूल का, आम कहाँ से होए, और वे फल जो विषैले फल है, ऐसे बीज बोना चाहेगा कौन, और वो भी आंगन में जिसमें जिसको खा खाकर अपनी पूरी संतान परंपरा ही नष्ट हो जाए। आप समझ रहे हैं, एक एक आध्यात्मिक रूप से घटित करना। हमारे आंगन में मतलब इस पर्याय में कोई ऐसा बीज वपन करे, बीज बुआई करे, जिसको लेकर सिद्धांत, बोलो सिद्धांत, उदाहरण में क्या कहा, संतान, पूरी संतान क्रम नष्ट होगा, मेरे बच्चे का बच्चा, क्योंकि जब तक वो पेड़ रहेगा, बच्चा अभी छोटा बच्चा वो खेलते खेलते जाएगा, उसको छुएगा, सूंघेगा, खाएगा, मरेगा, ऐसा बीज कौन अपने आंगन में लगाना बर्दाश्त करेगा। यहां पर समझना, इस पर्याय में ऐसा बीज वपन ना करे जिससे हमारा भव भव में नुकसान हो जाए, ऐसा कौन बर्दाश्त करता है। बीज तो लोक में अनेक प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक और लोकोत्तर अर्थ यहां पर कर रहे हैं कवि। यहां पर कह रहे बीज दो ही प्रकार के बोए जा सकते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। वैसे शुद्ध भाव भी लगाओ तो शुद्ध भाव भी होगा, लेकिन वो वैसी बुआई नहीं है जैसे शुभ अशुभ की होती है। समझ में आ रहा है, तो शुभ और अशुभ कुछ भी बो आप, ये दोनों फल विषैले हैं। फर्क इतना सा है, एक दिखने को ही दुर्गंध वाला है, दिखने को ही घिनावना है, खाने का भाव नहीं होता, और खाए तो मरण हो ही जाता है, दिखने से ही जहर दिखता है। और दूसरा वह फल है किम्पाक फल, दिखने को सुमधुर दिखता है, गंध जिसकी सुगंधित है, लेकिन उसको चखा मात्र और सडन डेथ, तुरंत मृत्यु हो जाती है। फल दिखने में अंतर करते हैं, गंध में अंतर करते हैं, लेकिन मूल रूप उनका वन एंड द सेम है। सम आर एल्योरिंग अट्रैक्टिव एंड सम आर जो कुछ डिट्रैक्ट करते हैं, कुछ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अट्रैक्ट करने वालों का भी फल अच्छा नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को, ऐसे दो प्रकार के फल लोक में भी विद्यमान है। सीधा जहर कौन खाता है, खिलाए तो बच्चों को तो चॉकलेट के बहाने उसमें जहर डाल के ही तो खिलाया जाता है। अभी बात आई थी, कोई बता रहा था, अफीम गांजा वगैरह होता है, आप जानते हैं, सॉर्ट ऑफ ड्रग्स है ये, स्टेरॉइड्स है ये, एक नशीली वस्तु है, एक नशा पैदा कराते हैं ये।
अब वो इसे सीधा कहे हम उसको खाओ तो कोई मतलब सज्जन आदमी तो नहीं खाएगा ना उसको। तो अभी एक दो जन की टीम पकड़ी गई, दो जन की टीम क्या कहे, और भी होगा, एक है एमबीए और एक है बीटेक। इतने पढ़े लेके दोनों जन क्या धंधा करते हैं, जो मुजफ्फरनगर इस पार्ट में मेरठ वगैरह इस पार्ट में जो हाईवेज पर जितने ढाबे हैं उन ढाबे वालों को वो गांजा वो अफीम वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं और वो हर एक प्रोडक्ट में अपने उसको डालते हैं। ढाबे पर बनाए जाने वाला मील वो सब इसी से भरा है। और वाई इज इट सो, सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड, देन वो एडिक्ट हो जाता है आदमी उस टेस्ट का। एक बार खाए तो बार बार खाने को उसको मन करता है। और सीधा कहे हम लोग खाओ गांजा अफीम, खाएगा कोई? और वो खाते खाते इतना एडिक्ट हो जाता है उसको पता भी नहीं चलता, एंड देन वो इतना डिस्परेट हो जाता है कि ही कांट लिव विदाउट दैट थिंग। मुझे क्या कहना है वैसे इस बात को, वो चीज अच्छे तरीके से दी गई इसलिए कोई वो चीज अच्छी नहीं होती। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे रूप से करके दिखाए तब भी कोई चीज अच्छी नहीं होती। वो समझ में आता है क्या कहा? खराब चीज का प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण अच्छे रूप से किया जाए तो क्या खराब वस्तु अच्छी हो जाएगी क्या? और अच्छी वस्तु का प्रस्तुतिकरण बेकार करे तो क्या वस्तु क्या खराब बेकार हो जाएगी क्या? जिनवानी का प्रवचन करने के लिए कोई बैठा और प्रस्तुतिकरण एकदम जमा नहीं, उसको मजा नहीं आया तो जिनवानी फेल हो जाएगी क्या? और खराब वस्तु का वेश्य पर कोई बोलने लग जाए और खूब धमाधम बोल के दिखाए तो फिर तो वेश्य का सेवन क्या अच्छा चीज हो जाएगी क्या? मतलब प्रस्तुतिकरण से कोई बात नहीं है। मुझे तो कहने का तात्पर्य है, यहां पर कवि ने शुभ अशुभ दो प्रकार की वृत्तियां कही है और शुभ का बीज वपन मतलब प्रस्तुतिकरण अच्छा है लेकिन चीज खोटी है, और अशुभ तो चीज खोटी है और प्रस्तुतिकरण भी खोटा है, उसको तो ऊपर से डिसलाइक करते हैं कि इसका फल तो संसार ही है। ताको सिर पर सिल, ताको सिर पर सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी ता पाप की पल पल दे ये रटाए। क्या कहा बताओ, कोई रिपीट करो, रिपीट करो। ताको सिर पर सिल पड़े, उसके माथे पर पत्थर पड़ जाए, नाम हृदय से जाए, जिसको लेकर फिर नाम भी हृदय से निकल जाता है। किसकी बात कर रही है? उस पुण्य के माथे कोई पत्थर पटक कर आ जाओ, क्योंकि जिसके होने से भगवान का नाम लेना भी लोग भूल जाते हैं। बलिहारी ता पाप की पल पल दे ये रटाए, इससे तो पाप भला है। क्यों भला है? क्योंकि पाप के उदय में तो कम से कम सैकड़ों दफे आदमी धर्म को भगवान को याद करता रहता है। ए स्टैंड अप, स्कूल में भी ऐसे होता है क्या कि किसी का ध्यान नहीं रहता है? क्या होता है? हाँ, ध्यान नहीं रहता है, नहीं सोता। ये यह सोता है, यह सोता है, अरे यह सोता है क्या? चलो क्या बात चल रही है, शुभ अशुभ वृत्ति की बात चल रही है और यहां पर अशुभवत शुभ को भी हे बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय से तो धर्म और छूटने की संभावना होती है, पाप के उदय में तो लोग उठते बैठते भगवान का नाम लेते, कैसे लेते हैं? घुटने बहुत दर्द होने लग जाए कैसे उठेंगे? और एकदम अच्छे से मजबूती है तो कौन भगवान भगवान क्या चीज है? सब अनुकूल चल रहे तो कौन पूछता है भगवान को? तो पुण्य तो और बेकारी कर लेता है, इसलिए तो आचार्यों ने जगह जगह ऐसे पुण्य को हे कह दिया। ऐसा पुण्य हमको नहीं चाहिए। ता पुण्य अम्म माँ हो, सुना है क्या ये छंद? परमात्मा प्रकाश का बहुत प्रसिद्ध छंद है, पुण्येन होई विहवो
पुण्य होगा तो क्या होगा उससे, वही भव मिलेगा। पुण्य न हो विहवो विहवे न मय न मई मोह, वही भव होने से क्या होगा, फिर मोह करेगा। मोहे नय पुण पावम, मोह करके क्या होगा, फिर पाप करेगा। तपुण्य अम्ममा हो, ऐसा पाप जिसका फल फिर पलट कर पाप ही है, ऐसा पुण्य हमको नहीं चाहिए। पुण्य में भी पाप का ही बीज है। पुण्यानाम पाप बीज, पुण्यानाम बहु बीज उद्भावयति, प्रवचन सार की 64वीं गाथा की उत्थानिकाय से। प्रवचन सार है यहां पर, उठाइए कोई जल्दी फटाफट, आप आपके देख लीजिए, सब खोलिए प्रवचन सार। यहां पर तो नहीं है शायद, यहां पर है नहीं, देखो छोड़िए, फिर नहीं होगा तो छोड़िए, बैठ जाइए। हाँ एक दो और, वो तो नहीं है, हाँ यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, उस दिन टैली किया था, यहाँ पर मिला नहीं था तब भी, तो यही एक मिला था। आप सब बैठ जाइए भैया, एच सुनिए, ग्रंथ नहीं चाहिए, आप सब बैठ जाइए। क्या कहा मैंने अभी, ये गाथा है 74वीं, मैं यहां से आपको उसकी उत्थानिका पढ़ के दिखाता हूं। प्रवचन सार गाथा 74, देखो यहां पर ये कहते हैं, पुण्य नाम दुख बीज हेतुत्वम उद्भावयति। क्या लिखा, पुण्यानाम दुख बीज हेतुत्वम उद्भावयति, पुण्य को दुख का बीज है, दुख के बीज का कारण है, यह सिद्ध करते हैं। पाप दुख का बीज है, दुख के बीज का कारण है, यह तो दुनिया जानती है, कोई विरला बुद्ध कहे पुण्य को भी पाप रे, सारा जगत कहता, योग सार की गाथा, सारा जगत कहता पाप को तो पाप रे, पर कोई विरला बुद्ध कहे पुण्य को भी पाप रे। सुना है ये छंद नहीं है? क्या क्या है, योग सार, वो रखे रहने दो, कोई आवश्यकता होगी तो हम बोल देंगे। ए बस करो, बस करो, नहीं तो दो गुट ठिकाने लगा देंगे फिर। हाँ 74वीं गाथा में ये कहा, क्या कहा 74वीं गाथा में, रिपीट नील, कि पुण्य तो दुख का बीज, पुण्य नाम दुख बीज हेतुत्वम उद्भावयति, बोलो, पुण्य नाम दुख दुख बीज हेतुत्वम उद्भावयति, हेतुत्वम उद्भावयति, पुण्य में दुख का बीज के कारणत्व को सिद्ध करते हैं। अभी 74वीं की उत्थानिका में ये बोला, संस्कृत, हाँ संस्कृत ही है नहीं, फिर अब 76वीं का एंड कैसे करते है? देखो 76वीं गाथा की टीका का, अभी कहते हैं पापवत पुण्यमपी दुख साधन मात्रम, मैं यहां से पढ़ के देखा, एक मिनट, 76 है ना, हाँ देखिए मिल गए 76 का, अथ एवं पुण्यमपि पापवत दुख साधन मात्रम, क्या अर्थ बन गया इसका, पाप की भांति पुण्य भी दुख का साधन है, कारण है, ये फलित होता है, ये पूरा अधिकार उसी का है पुण्य और पाप का। इसलिए यहां पर प्रेरणा की है शुद्ध भाव करने की, फल यदि चाहिए हमको, निर्वाण का फल चाहिए
तो शुद्ध भाव करो, बाकी उसके अलावा कोई भी बीज हम बोते हैं, कोई भी बीज मतलब पुण्य हो अथवा पाप हो, उन दोनों का फल भव संसार है, भव चक्र है। क्या आप जानते हैं सादिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्यमे के लिए जीव निकलता है, क्या कहा? अनंत काल वैसे स्थावर में जाता है, आप जानते होंगे। त्रस में यदि आए बाय चांस भाड़ में भुंजे हुए चने के समान, जिस प्रकार एकात उछड़ जाते उसी प्रकार एकात त्रस में आने जैसी बात होती है, इसलिए छह डाले में कहा दुर्लभ लही जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। त्रस का पाना इतना कठिन है, और कदाचित त्रस में आए तो अंतर मुहूर्त में फिर जा सकता है स्थावर में जगन्य काल, और यदि उत्कृष्ट काल यदि बीते त्रस में तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट यदि बीते तो सादिक 2000 सागर बीत सकता है। जानने के लिए आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, सादिक 2000 सागर में से दो तिहाई काल मीन्स 1360 सागर काल वैमानिकों में जाता है। कितना? 1360 सागर वैमानिकों में जाता है, 640 सागर नारकियों में जाता है। और जो साधिक पार्ट है, साधिक, उन साधिक में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश, संगी पंचेंद्रिय त्रियंश, मनुष्य और फिर भवंत्रिक, इन सब का नंबर उन साधिक में लगता है। निष्कर्ष क्या है, कौन बताएगा? बोलो। कि जो मतलब त्रस पर्याय है उसमें भी जो मतलब जो मनुष्य पर्याय है वो दुर्लभ है। और बोलो, विशेष बात सिद्ध क्या करनी है? वो तो ठीक है, और अरे नरक से दुगुना समय तो वैमानिकों में जाता है जीवों का, इससे क्या बात फलित होती है? मतलब जितना पापी जीव है उससे दुगुने तो पुण्य जीव होते हैं, और कोई भी आदमी जितनी बार पाप कर सकता है उससे दुगुनी बार तो उतना पुण्य करता है, वैमानिक में दुगुना समय निकलता है। समझ में आता है? 1360 और 640 बोला ना, मतलब कितना हो गया, लगभग दुगुना समय जाता है, मतलब दुर्लभ नहीं है ये, तो बहुत सहजता से होता है। इसका फल भी संसार है, एकांत दुख रूप है और ये शुभ अशुभ भाव है, ये चेतन के ही आंगन में पैदा होते हैं। आंगन मतलब हमारे ही पर्याय में कांटे जैसे पैदा हो जाते हैं, और कितना भी सुंदर महल हो और आंगन में पूरे कांटे 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 बिछे हो तो महल की कितनी सुंदरता है, और झोपड़ा है और आंगन चकाचक है, कैसा है? तो कहते हैं ये तो चेतन के आंगन में शुभ अशुभ भाव ये तो कांटे जैसी पैदा हो जाती है, ये दुखमय है, ये असुचि है, और एकदम विपरीत परिणाम वाली है ये चेतन के, इसलिए इनको छोड़ने की बात कही है। इनका फल दुख रूप है। इस छंद को पढ़िए सब एक साथ। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका विरोधी है, पाटोसी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, तेरी फल पूजा का फल प्रभु शांत शुभा शुभ ज्वालाए, मधुकल्प फलोसी जीवन में प्रभु शांति लताए साजाए। दोनों एक ही विलन बाप की औलादे है, कौन? शुभ और अशुभ। कौन है विलन बाप? अज्ञान। अज्ञान विधाता है इनका, इन दोनों का कौन विधाता है? अज्ञान। दोनों उसी की कठपुतलिया है, अज्ञान की कठपुतलिया है। शुभ भी अशुभ भी दोनों परलक्षी परिणाम है, दोनों डाइवर्ट करते हैं जीव को अपने ही स्वरूप को जानने से, यह ऐसी बात इसमें आई। और मधुकल्प मतलब सच्चा मीठा फल यदि किसी को चाहिए, मधु इज स्वीट, यदि मीठा फल यदि किसी को चाहिए, मधुकल्प फलों से जीवन में प्रभु शांति लताए छा जाए,
तो ऐसी यहाँ पर कामना की है कि वे जीव शुभाशुभ रूप ज्वाला से ज्वाला को शांत करे, शुभाशुभ प्रवृत्ति छोड़ देवे, तो उनका अच्छे फल की प्राप्ति हो जाएगी शुद्ध भाव करे तो। ये मांग भगवान के सामने भक्त कर रहा है कि ऐसे जीवन में कुछ अच्छाई आ जाए। और काटे जाकर ये लताएं, शांति लताएं उछा जाए। ठीक है, ये भी छंद हमारा पूरा हो गया है। अब अर्घ्य का छंद हम देखते हैं। अर्घ्य के छंद में एक प्रकार से सॉर्ट ऑफ महार्घ्य है, और इसमें जो अभी तक 8 छंद चले हैं जल से लेकर फल तक के, उन सबको संक्षिप्त करके एक ही छंद में डालने का प्रयास किया गया है। आप सब जन इसको पढ़ेंगे। निर्मल जल सा प्रभु निज रूप, बस 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 अपन एक एक को वही वही पर सेटल करते हैं, 8 बातों की बात करते हैं, और किस किस को क्या क्या उपमा दी गई है उसकी भी बात यहाँ करते हैं। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप, पहचान उसी में लीन हुए, मतलब जल शरीर का क्या है कह रहे हैं, जैसे जल में हमको हमारी परछाई देखने को मिलती है, यदि जल साफ हो तो, निस्तरंग हो तो, यदि थोड़ी भी तरंग उठे तो नीचे जो किट काली में बैठी होगी वो तो उछल ही आएगी, और फिर उसमें अपना चेहरे देखने को कहा अवसर है। बहुत सुंदर बात करते हैं। उसी प्रकार शुद्ध निर्मल जल शरीर के प्रभु, उनमें कोई अपना चेहरा देखता है और वे निस्तरंग हो चुके हैं, और तलवल में भी कुछ भी ऐसी गंदगी राग द्वेष उनके रहा भी नहीं है, तरंग भी नहीं है और गंदगी भी नहीं है। सो जो भी यहां पर देखता है उसको अपना शुद्ध चेहरा, जैसा अपना शुद्ध स्वरूप है वैसा देखने को मिलता है, प्रतिछंद के स्थान पर है। क्या कहा? सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पर है। कहां पर पढ़ा आप लोगों ने? कहां पर पढ़ा आपने? मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा क्या? पहले पंच परमेष्टि का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप किसी ने पढ़ा ही नहीं क्या आपको? पढ़ाते हैं ना हर साल, वे लिया था आपको भी, तो सिद्धों के स्वरूप में वो बात आई है, प्रतिछंद के स्थान पर है, प्रतिबिंब समान है। आप भूल गए हैं अभी इस बात को। ठीक है, निर्मल जल सा प्रभु निज रूप, यहां पर कह रहे और प्रभु निज रूप, और अपना स्वरूप भी इतना निर्मल है कि उसका जो आश्रय करेगा तो पर्याय में भी ऐसी अवस्था प्रकट हो जाएगी। मैंने 2 अर्थ किए आगे, एक तो दर्पण भगवान समान कहा, और एक तो अपने निस्वरूप भी दर्पण समान कहा। तो जो भगवान को भी देखता है वो अपने स्वरूप को देख लेता है, एक अर्थ है, और जो अपने त्रिकाली स्वरूप को देख लेता है वो पर्याय में भी ऐसे विकसित अवस्था को देख लेता है। ये जल का हो गया। भवताप उतरने लगा तभी, भवताप उतरने लगा तभी चंदन सी होती है। ऐसा होता है जब भी कोई मरीज को, अपन उदाहरण थोड़ा सा बदल देते हैं, किसी को, किसी जीव को जहर चढ़ गया, और उसको अमृतचंद्र स्वामी का उदाहरण है, उसको सामने लाकर रख दिया जाए, वैद्य के सामने नहीं मांत्रिक के सामने, और यदि वो वैद्य को तो कुछ सिलबट्टा लेके बैठना पड़ेगा और कुछ चूसना पीसना पड़ेगा, कुटना पीसना पड़ेगा और फिर चटाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, तब जाकर असर होगा। गारुड़ी मंत्र क्या क्या करता है वो मांत्रिक, जैसे ही गारुड़ी मंत्र पढ़ने लगता है तो उसका जहर सामने उतरने लगता है, ऐसा रूल है। हमें भी, हम जब अभी खनियाधाना में थे तो वहां पर अखबार में एक बात आई थी, फिर वो कटिंग सेव करने को करके रखने को कही, यदि बच्चे को किसी का सांप काट वाट जाए तो शिवपुरी के किसी आदमी का फोन नंबर था उसमें, उसका ये है कहना, अब फोन पर डायरेक्ट फोन पर बात करा दीजिए उस आदमी की, बात क्या करेगा वो बेहोश आदमी अभी, लेकिन वो मंत्र वहां से पड़ेगा उसके कान पर पड़ेगा वो मंत्र, हम फोन वहां लगाए तो उसका जहर उतरता जाएगा, ऐसा उन्होंने भी दावा किया था उसमें, ऐसा होता भी है।
और प्रथमानुयोग जो पढ़ते हैं जिन्होंने सुना है, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी, आपके ज्ञान में होगा, तब हनुमान को अपॉइंट किया गया। समय सीमित था, कहाँ मिलेगी ये दावत? तो किसी ने कहा अयोध्या की तरफ मिलेगा ये। तो कैसे मिलेगा? तो अयोध्या में एक विशल्या नाम की कुमारी है, लड़की है, उसमें वो कला है कि वो जहर उतरना जानती, शक्ति उतरना। उसको रिद्धि वगैरह प्राप्त थी पूर्व भोग की पुण्याई से। तो वो विशल्या को लेके जैसे आने लग गए, जो जो विशल्या पास आने लग गई, अभी विशल्या आई भी नहीं थी यहां पर, तो जहर उतरने लग गया था, यहां शक्ति निर्मूल होने लग गई थी। वो जो शक्ति उस पर लगी थी, जहर चढ़ा था। यह विशल्य की ताकत, समझ में आ रहा है? फिर विशल्य वहां आते आते, रोज क्यों सोता है, क्या बात है? आज ही तो सोया। अच्छा, आज ही सोया, ठीक है। अभी दूसरी बात में ये कहने लग गए हैं कि चंदन का जितना आश्रय लेंगे उतना ताप खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार शुद्धात्मा का जितना आश्रय लेंगे उतनी मात्रा में ये राग द्वेष का आताप खत्म हो जाएगा। तो जितने आश्रय में, जितने मात्रा में भगवान का आश्रय लेते हो, उतने मात्रा में सुख शांति उत्पन्न होती है। अभिराम भवन प्रभु अक्षत का, सब शक्ति प्रसून लगे खिलने। बस भगवान श्री का हमारे भी अक्षत पद है, उसका आश्रय करके जैसे फूल खिल जाते हैं अच्छे मौसम में, ठीक उसी प्रकार यहां पर अनंत गुणों का विकास। उस दिन समझाया ना तुम्हें दर्श, उस दिन समझाया ना तुम्हें, समझाया ना उस दिन अच्छे से? तुम नहीं थे? नहीं तुम, हाँ क्या बोल रहे? मैंने कुछ नहीं किया। अभी तुम हंस रहे थे, तभी तो तुम्हें टोक रहा हूं मैं, यहां देख रहे वहां देख रहे, तभी तो तुम्हें टोक रहा हूं मैं। तुम यहां अटेंशन दो, डाइवर्ट मत हो। अभिराम भवन प्रभु अक्षत का, वैसे आराम का एक अर्थ बगीचा होता है, बगीचे में फूल खिलते हैं। यहाँ पर अभिराम का अर्थ वैसे तो आत्मा किया है, अक्षत किया है। अभिराम भवन प्रभु अक्षत का, सभी शक्ति प्रसून लगे खिलने, सभी शक्तियों का विकास होने लग गया। सर्वगुणांश तेज सम्यक्त्व, आत्मा का आश्रय करते ही सभी गुण सम्यक विकास की तरफ बढ़ने लग गए। आगे की लाइन पढ़ो। शुत त्रिषा अठारह दोष क्षी कैवल्य प्रदीप लगा जनने। प्रदीप की बात करी है और दीपक को यहाँ पर केवल ज्ञान की उपमा दी है, जो वहां पर हमने छंद में देखा था। और जैसे ये प्रदीप जलने लग गया, जैसे ही दीपक जल जाता है, वैसे ही जीव जीवाणु खत्म होने लगते हैं, निर्जंतुक होने लगते। उसी प्रकार केवल ज्ञान प्रदीप जलते ही समस्त 18 दोष का नाश हो गया। आगे मिट चली चपलता योगों की, कर्मों के इंधन ग्रस्त हुए। धूप की यहाँ पर बात करी है कि कर्मों का ईंधन रॉ मटेरियल खत्म होने लग गया, क्योंकि जैसे ही चपलता मिटने लग गए, 13वें गुणस्थान की बात कर रहे सहयोग केवली, और 13वां गुणस्थान भी खत्म होने को आया, योगों की चपलता मिटने लग गई, तो कर्मों का ईंधन वो क्या कहना चाहिए, बारूद का सेंटर को क्या कहते हैं, वो जहां पर पूरा बारूद रखा रहता है, डायरेक्ट उसको उड़ा देना, तो फिर तो कहना चाहिए निष्क्रिय हो जाता है शत्रु। उसी प्रकार यहाँ पर जितना कर्म का ईंधन है उन सबको ध्वंस करेंगे। अब यहाँ पर 14वें गुण स्थान में पूर्ण निर्जरा होकर सिद्धावस्था की प्राप्ति हो जाती है। फल हुआ प्रभु ऐसा मधुर तुम धवल निरंजन। व्हाइट स्टैंड्स फॉर क्लीननेस, स्पॉटलेस, बेदाग। उसी प्रकार भगवान अब धवल निरंजन हुए हैं। ये
इसका बहुत मीठा फल आपको मिला है, ये सब जो हुआ है उससे। ये एक प्रकार से क्रमिक विकास बताया है। देखिए ना आप सब, सम्यक ज्ञान, मुनियावस्था, केवल ज्ञान अवस्था, फिर अयोग केवली अवस्था और फिर सिद्धावस्था, पूरा क्रम इस छंद में आ गया है। और इस बहाने आठों अर्घ्यों का एक पारमार्थिक रूप यहाँ से घटित करके दिखाया है। आगे बढ़िए, जयमाला की तरफ हम बढ़ते हैं। जयमाला का अर्थ आप लोग भली भांति समझते हो। जयमाला का अर्थ पिछले साल वैसे आपको बताया गया होगा, पूजा विधि और फल आपने पढ़ा था पिछले साल, तो आपको जयमाला का अर्थ उसमें जरूर बताया होगा। जयमाला का अर्थ ये होता है कि निर्बाध रूप से आप पूजन करते रहना। माला मीन्स चेन, सूत्रबद्ध, लिंक्ड, विदाउट एनी ब्रेकेज। क्या किसका ब्रेकेज, किस में ब्रेकेज नहीं आए, जय जयकार में, स्तुति भक्ति पूजन में। अभी तक जो ब्रेकेज आ रहा था बीच बीच में, क्या ब्रेकेज आ रहा था, अब तुम काय के लिए बोला, उसका अवसर छीन लिया तुमने। बैठ जा, ये जयमाला का अर्थ किया, ठीक है। अभी देखिए इसको, चार लाइंस पढ़िए जल्दी। सुनिए सुनिए, इतना का ही अर्थ करते हैं। श्रीमद जी का एक छंद है, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता होगा, आत्मसिद्धि शास्त्र का है, आपने सुना होगा। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, बोलो। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। देह रहते हुए भी जिनकी दशा देहातीत वर्तती है, सागर में जहाज रहे तो उसकी ब्यूटी है कि नहीं है, है कि नहीं है। जहाजों को वैसी मिट्टी पर रखा है, बड़ी बड़ी जहाजों को, नावों को मिट्टी पर नदी किनारे लाकर रखते हैं ना, तो उसकी शोभा है क्या? जब भी कोई सीन देखा होगा, फोटो वोटो आपने कही, तो नाव जहाज पानी में दिखाई जाती है सीन के रूप में कि वो मिट्टी पर दिखाई जाती है, पानी पर दिखाई जाती है। जहाज पानी में रहे लेकिन पानी जहाज में नहीं रहे, क्योंकि जिस समय पानी जहाज में रहेगा फिर जहाज पानी में ही रह जाएगी, समझ में आता है? अभी तक तो पानी में मतलब पानी के ऊपर आशय था, अभी तो पानी में ही डूब जाएगी, पानी में रहे लेकिन पानी में डूबे नहीं। हम घर गृहस्थी में रहे एक प्रकार से लौकिक शोभा है, लेकिन घर गृहस्थी हम में नहीं रहे, समझ में आ रहा है? हम गृहस्थ तो है लेकिन गृहस्थपना हम में नहीं रहे, समझ में आता? यह तो एक आध्यात्मिक अर्थ किया जाता है। यहां पर तो भगवान की बात चल रही है, यहां पर कहते हैं आप शरीर में तो रहते हो लेकिन वैदेही हो गए हो, अतिंद्रिय हो गए हो, रहते शरीर में है लेकिन हो गए आप अतिंद्रिय है, न इंद्रिय से ज्ञान करते हैं न इंद्रिय से, बोलो 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 बोलो। बोलो हाँ बोलो हाँ, ना उससे ज्ञान करते ना उससे कोई सुख मिलता है। राइट, मिलता नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, बैठो बैठो। इंद्रिय ज्ञान का काम नहीं, इंद्रिय सुख का काम नहीं, डेकोरेशन के लिए है बस, वो वहां पर बाहर का ठेकड़ा लगाया है, उससे कुछ भी फंक्शन नहीं होता। वैदेही हो देह में अतः विदेहीनाथ, सीमंदर नि सीम में शाश्वत करो निवास। अपनी सीमा के बाहर भी आप निकलते नहीं है। आप लोगों को एक रूल पता होगा शायद, जब तक मेंढक कुएं में है
मेंढक भी कुएं में है और सांप भी कुएं में है, शायद आप लोग कोई जानता होगा। सांप मेंढक को नहीं खा सकता, और मेंढक कुएं से बाहर निकला, खा लिया सांप ने। एक दो, आपने कभी यह भी देखा होगा बिल से, ये तो आंखों देखा बहुत है मेरा, बिल से निकला सांप। अब जैसे निकला ऊपर जितने भी क्या पक्षी होते हुए, चील वगैरह जो पक्षी है ये सब एकदम आवाज कर करके एकदम इकट्ठा होते हैं और डंक मारने लगते हैं उसको। डंक क्या, बस चले तो उसको पकड़ कर ही ले जाए। डंक क्या मारे वे, तो क्या डराने धमकाने थोड़ी आए यहां पर। तो और सांप क्या करता है, फिर थोड़ा बाहर निकला खतरा देखा एकदम अंदर आ जाता है, क्योंकि वहां पर गुप्त गुफा में उसको क्या खतरा है, लेकिन रहेगा कब तक वो अंदर। अब फिर एक रात तो अनुकूल पड़ती है उसको, एक टाइम तो अनुकूल पड़ता है रात का, जिस समय में वे नहीं देखे वे अपने अपने घोंसला पकड़ लेते हैं और ये भोजन के लिए बाहर निकल सकता है। लेकिन कभी बहुत समस्या हो गई गर्मी आदि की और ये बाहर है, अंदर गर्मी से मर जाएगा नहीं तो। और क्योंकि बरसात के दिनों में एकदम गर्मी के बाद जब बरसात चालू होती है तो ये अंदर छेद किए रहते हैं, तो एकदम गर्मी से ये भी तड़पते रहते हैं, तो पानी की तलाश में फिर पानी भी नीचे नीचे भरने लगता है जो भी है, तो फिर इनको भी जमीन पे आना रहता है और उसी समय में वे भी है ऊपर, तो ऐसे में तो उसकी दुर्दशा हो जाती है। हे भगवान, आप शाश्वत निवास करते हो, घर से बाहर नहीं निकलते हो, इसीलिए आप बहुत सुरक्षित हो, निज सीमा के बाहर नहीं आते। यू डोंट एनक्रोच योर लिमिट्स एंड देयर फॉर यू आर सेफ एंड सिक्योर। नीचे की दो लाइन पढ़ो। ये अर्थ तो सरल सुलभ है, आगे की दो लाइन पढ़िए। बैठो भैया। हाँ, स्वभावी सीमंदर तुम हो असीम आनंद रूप, अपनी सीमा में सीमित हो फिर भी हो तुम त्रैलोक भू। अपने अपने कमरे से बाहर निकलते नहीं और राज करते पूरे तीन लोक पर। आगे बढ़ो। अति प्रचंड सूर्य कहा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा सूर्य है भगवान रूपी जिसको ना कभी ग्रहण कर होता है, ना कभी अस्त होता है, ना कोई बादल भी इस पर आवरण ला पाते हैं, और इसमें इतनी ताकत है, इसने शत्रुओं के खंड खंड कर दिए हैं। सरल है, बहुत सरल है। आगे बढ़ो। आपको याद आ रहा होगा आपने अरहन सिद्ध की परिभाषा पढ़ी है, उसमें यह बात आ रही थी गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म का अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा, ये सब तीनों बातें इसमें अभी हमने पढ़ी पढ़ी है। आगे बढ़ो। पूर्ण चंद्र मीन्स पूर्ण चंद्रमा, मासी का पूनम जैसे, चंद्रमा जैसे आपकी पूर्ण विकसित हालत हो गई है। ऊपर सूरज की उपमा दी जा रही थी, यहां पर चंद्रमा की उपमा दी जा रही थी, क्योंकि दो दैदीप्यमान ज्योतिषी विमान माने गए सूर्य और चंद्रमा, जिनकी समय समय पर पूजा अर्चा आदि होती रहती है। एक शीतलता के लिए प्रसिद्ध है, एक उजाले के लिए प्रसिद्ध है, किसी के बिना काम नहीं चलता हमारा।
तो सबका अपना अपना महत्व है। चलो आगे बढ़ो। और ऐसा सुनते हैं, अभी उदाहरण उदाहरण और सिद्धांत आपको लगाना पड़ेगा। आप जानते होंगे ये चंद्रमा जब भी होता है, और खास तौर पर पूर्णमासिका का चंद्रमा, तब ये गोताखोर ताक में बैठे रहते हैं, क्योंकि गोताखोर डाइवर्स डुबकी लगाने वाले। जब आई थिंक आई एम, क्योंकि जो ज्वार भाटा होता है, क्या कहा मैंने, अभी जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पूर्णमासिका के चंद्रमा के टाइम पर वहां पर पानी का लेवल बढ़ जाता है। सुना है आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं? दूसरी तरफ वो भाटा आ जाता है, डाउन आ जाता है, तो वो गोताखोर के लिए एक विशिष्ट अवसर होता है जहां पर एक लेवल पानी का बहुत घट जाता है। फटाफट अंदर डुबकियां लगाकर बहुत सारा वे माल लेके आने की बहुत गुंजाइश हुआ करती है। तो इस चंद्रमा के उदित रहते हुए ये क्रीम टाइम माना गया है, जिनको रत्नों का अर्जित करना है, मोतियों का अर्जित करना है। ठीक उसी प्रकार ये चंद्रमा, भगवान रूपी चंद्रमा हमारे शिर पर स्थित है, शिरस्थ है, जिनको अपना कल्याण करना है, अपने रत्नों की प्राप्ति करनी है, उनके हयाती में वे अपने अपने रत्नों की सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमारा सुकाल है, गोल्डन चांस होता है। आगे बढ़ो, पढ़िए। ओके, वहां पर आज भी तीन तीन चार चार बार देशना खिर रही है, 9-10 घंटे आज भी वहां पर। आप जानते हैं ना ये रूल, दो ग्रंथों की अलग अलग विवक्षा है। एक ग्रंथ में ये साक्षी है कि दिन में 3 बार दिव्य ध्वनि कीर्ति है 6-6 घड़ी की, तिलोय पंडित ग्रंथ में 4 बार दिव्य ध्वनि का उल्लेख आता है 6-6 घड़ी का, और यदि विशेष वंस मोर ऑफर हो चक्रवर्ती का, गणधर का, इंद्र का, तो फिर और एक बार भी खिर सकती है। निरंतर ये प्लेटफॉर्म, बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट का प्लेटफॉर्म निरंतर खड़ा है आज भी विदेह क्षेत्र में। हाँ, वो कोई इन्हीं के माध्यम से नहीं है, और भी ऐसे तीर्थंकर है 19, तो वे सब ये काम कर रहे हैं। आगे मिलाप से दिव्य ज्ञान आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उन्हें। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन ये बताया था, ये सुनते हैं पोन्नुर हिल में, जहां पर एग्जिस्टेंस कुंदकुंद आचार्य देव का रहा है कभी। वे कुंदकुंद आचार्य देव को एक बार बहुत महिमा आई सीमंदर भगवान की, और वहां से उन्होंने ढोक दी, तो समोशरण में से भगवान ने सद्धर्म वृद्धि रस्तु, आपके सच्चे धर्म की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वचन बोलने पर समोशरण में स्थित कुछ इंद्रों ने, कुछ जीवों ने ऐसा प्रश्न पूछा, ये आशीर्वाद किसके लिए, तो उन्होंने कहा भरत क्षेत्र में स्थित। तो फिर ऐसा सुनते हैं कि कुछ आयोजन बन गया उनको लाने का, और फिर उनको यहाँ पर सौभाग्य 8 दिन आने का बना था। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि कुंदकुंद आचार्य देव के साथ साथ ये और 2 आचार्यों के साथ भी ऐसी घटना जुड़ी है, आचार्य उमा स्वामी और आचार्य पूज्यपाद स्वामी, और सुनते हैं उनका भी योग सीमंदर भगवान के समोशरण में जाने का बना था। ये घटना तीनों जनों के साथ लगी है, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट किसी का निमित्त नहीं होने पर भी इनके पुण्य योग से ऐसा सब बन गया। बोलो जो प्रभावित नहीं रहते बराबर, क्या जब वो प्रभावित नहीं रहे तो उन्हें तो आए। ये कहने की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं। ये नहीं, सुनो, क्योंकि
श्वेतंबर मत का स्टैंड अप तुम्हारी विशेषता ये है कि तुम सुन तो लेते हो बराबर, सोने के साथ साथ तुम सुन तो लेते हो, ये तुम्हारी विशेषता है। तुम्हारी नींद है वो प्रचला टाइप की है। कौन सी? प्रचला। तुम सुन भी लेते हो, इसलिए तुम्हें कभी भी पूछते हैं तो तुम बता भी देते हो, ये भी तुम्हारी विशेषता है। लेकिन फिर भी तुम्हें सोना मना है, समझ में आता है? ऐसा थोड़ी चलेगा। हाँ, टैलेंट कहे कि इसको क्या कहे, अब मैं नहीं कह सकता। चलो सुनिए, तो ये तो समझ लो, ये जो आशीर्वाद पर्सनली जो बातचीत है इसका तो श्वेतंबर लोग ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर ऐसा पर्सनली चैट करते हैं किसी के साथ, उसका तो दिगंबरों ने खंडन किया है। तो हम दिगंबरों में कहाँ से बन गए? ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। और ये तो हम ये कह सकते हैं, गणधर की कोई विशेष जिज्ञासा हुई कि कोई पुण्यशाली जीव है भरत क्षेत्र में कोई, तो उनको विकल्प आया होगा कि हाँ है, तो उनको लाने का प्रावधान। तो कहानी किससे ऐसे जोड़ जोड़ के उसको ऐसा बनाया जाता है, पैचवर्क किया जाता है। ठीक है आपका कहना, अब बोलो। बराबर। और ये लाइन का भी आपने अर्थ किया कि मतलब वो वहाँ गए थे। बराबर। और जो मतलब ये भी हुकुमचंद जी वाले ने लिखी है। बराबर। और उनकी एक और बुक है बिखरे मोती। बराबर। उसमें भी उन्होंने ये उल्लेख किया है कि ये है आपकी तत्वज्ञान। नहीं, मुझे मेरी मिल गई है। मिल गई। एंजॉय गो नाउ। हाँ हाँ, थैंक यू। उन्होंने खुद ये लिखा है उसमें कि ये इसको मतलब प्रमाणिक नहीं मान सकते कि अपन। बराबर। ये हमारे पास जो आधार है, कुनकुन स्वामी विदेह क्षेत्र गए थे, ये आधार किसी ग्रंथ का नहीं है, एकाध शिलालेख में उपलब्ध होता है। और जैसेन स्वामी का आधार अपने पास है, लेकिन जैसेन स्वामी ऐसा कहते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लोक प्रसिद्ध न्याय ना, लोक में ऐसी प्रसिद्धि है, इतना सा बोल दिया उन्होंने। तो हम इसमें कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी पूजन चल रही है, जिसकी शादी है, जिसको घोड़े पर बिठाया है, उसके गुणगान नहीं होंगे तो क्या होगा? तो थोड़ा बहुत मस्का लग जाता है उसमें, कोई थोड़ी बात चढ़ा बढ़ा कर भी बोली जाती है, कोई खास बात नहीं होती उसमें। और देवसेन आचार्य देव की वो लाइन मैंने उस दिन आपके सामने बोली थी पहले दिन, कि यदि आचार्यगण, यदि कुनकुन स्वामी, देवसेन आचार्य ने बोला, यदि कुनकुन स्वामी सिमंदर भगवान के पास विदेह क्षेत्र जाकर ये ज्ञान अर्जित नहीं करते तो हमको ये ज्ञान कौन देता? तो ये कैसे आया, क्या आया, हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये उन्होंने ग्रंथ में लिखा है। हाँ, लेकिन ठीक है, अभी हम ज्यादा क्लेम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका ग्रंथ में है कि इसका भी शिलालेख है, ये भी नहीं कह सकते। क्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुनकुन स्वामी अकेले कैसे गए? चरण रिद्धिधारी अकेले कभी नहीं जाते, कम से कम दो रहते हैं। और फिर देवगण आकर लेके गए मानने में भी भारी आपत्ति, असंयमी के साथ कैसे गए? ऐसी बहुत सारी आपत्तियां दिखती है। इसलिए जो है सो ठीक है, लेकिन आज तो उनको मस्का लगाने दो चुपचाप। हाँ बोलो। डायरेक्ट ही गए वे? नहीं, नमस्कार यहाँ से किया, वे तो उन्होंने वहां से जाना। अरे वहां के मुनिगण कुछ होंगे कि नहीं रिद्धि विद्धि वाले, तो उनको लगा होगा किसी को विकल्प आया होगा, आज धन्य हम और भरत क्षेत्र में क्या हो रहा होगा, तो किसी को विकल्प आया होगा, हम भरत क्षेत्र में भी एक है कुछ दैदीप्यमान कोई नक्षत्र है जबरदस्त, तो कुनकुन स्वामी वो क्या कर रहे होंगे, अभी नमस्कार कर रहे, ऐसा सहज में जाना होगा उन्होंने, उसमें क्या बड़ी बात आ रही। चलो जल्दी गो अहेड, चलिए सुनिए। देखो, कुंद आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान, आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उनने आनंद प्रमाण, ये पांचवी गाथा की तरफ संकेत आ गया। समझ में आ रहा है? पांचवी गाथा समय सार की तरफ संकेत कैसे आ गया? आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु को उपदेश और स्व संवेदन प्रत्यक्ष,
उन्होंने अनुभव से प्रमाण किया उस बात को, जो जो ग्रंथ में बात आई, उपदेश में बात आई, उन्होंने अनुभव से उसको प्रमाण किया और अपने शिष्यों को भी यही प्रेरणा दी है उन्होंने, यदि मैं दिखाऊंगा तो तुम प्रमाण करना। यदि दाये जपमानम चुके ज छलम न घे तवम, ऊपर की गाथा, यदि मैं दिखाऊं तो आप भी प्रमाण करना इसको। समझ में आया? आगे आगे गो अहेड। हाँ, समझाया उन्होंने दे गए हमें वे समय सार, समय सार के कई सारे अर्थ होते हैं। समय सार का एक अर्थ ग्रंथ भी होता है, समय सार का एक अर्थ शुद्धात्मा भी होता है, और समय सार का एक अर्थ पर्याय में प्रकट हुआ वाला शुद्धात्मा भी होता है। इसलिए पांचों परमेष्ठ को भी शुद्ध समय सार कहते हैं। वे कार्य समय सार है, शुद्धात्मा कारण समय सार है, और जिनवानी जो समय सार है जो 415 गाथाओं की, वह भी कारण समय सार है। त्रिकाली ध्रुव निश्चय कारण समय सार चेतन, और ये व्यवहार कारण समय सार अचेतन। कितने जन समझ रहे हैं? देखिए फिर से, दे गए हमें वे समय सार, ये विषय वस्तु दे गए हमको, गा रहे आज हम समय सार, आज हम शुद्धात्मा के गीत गा रहे हैं। समय सार बस एक सार, यही सार है संपूर्ण लोक में, समय सार बिन सब असार। आगे समय सार इज इक्वल टू समय प्लस सार, सार इज इक्वल टू द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित, सार इज इक्वल टू द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित, एंड समय इज इक्वल टू आत्मा। देयरफॉर समय सार इज इक्वल टू समय माइनस इनटू ब्रैकेट द्रव्य कर्म प्लस भाव कर्म प्लस नो कर्म ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू समय सार शुद्ध आत्मा। सार का अस्तिपरक अर्थ शुद्ध, नास्तिपरक अर्थ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित त्रिकाली ध्रुव। पढ़िए, और सार कुछ है नहीं महिमा अपरंपार, सरल है।